नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेक्टर लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास तौर पर। दोस्तों, आज मैं कोई खबर लेके नहीं आया हूं, सिर्फ एक हमारे साथ महिला है, इनकी कुछ परेशानी है वो आपको दिखाने आया हूं। इनकी कुछ इनको कुछ मदद की जरूरत है। हमें हमारे किसी दोस्त ने ऐसा बोला था कि इनको मदद की जरूरत है, तो हम इनकी मदद के लिए आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरे आह्वान पर आप लोग इनकी जरूर मदद करेंगे। दरअसल ये महिला जो हमारे साथ खड़ी है, उनके पति जिनका नाम दीपक है, ये यहाँ सफाई अस्पताल में भर्ती है और इनकी परिस्थिति थोड़ी कठिन है। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, डबाडोल है और इनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। आप लोगों से आह्वान है, निवेदन है, जो जिससे जो बन पड़े आप इनकी मदद कीजिए। इसी वीडियो के लिंक में इनका अकाउंट नंबर, सीधे डायरेक्ट इनका अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर में डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के बीच में इनका जीपे, गूगल पे, बारकोड वो हम दिखाएंगे। आप भी जो बन पड़े इनकी मदद कीजिए ताकि किसी एक मरीज का इलाज हो सके और उसकी परिस्थिति सुधर सके। क्या नाम है आपका? वर्षा दीपक सोलन। क्या हुआ आपके पति को? उनको दिमाग में नस फट गए। दिमाग में तो अभी आपकी क्या, आप किस लिए करें, आपको क्या चाहिए, क्या मदद आपको चाहिए? उनका इलाज हो जाए ना, अच्छे से ठीक हो जाए, और मदद चाहिए थोड़े पैसे। अभी तक कितना खर्च हो चुका है? 4.5 लाख तक तो खर्च हो गया है, लेकिन अभी हम लोग की परिस्थिति इतनी नहीं है कि हम लोग पैसे दे सके, तो अभी आपकी मदद चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से आपकी ये मदद कर रहा हूँ कि वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग आपको कोई मदद करना चाहे तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे, क्या आप निवेदन करना चाहेंगी? या जो भी आपसे कुछ थोड़ा बहुत हो सके तो आप मदद कीजिए। तो ये वर्षा जी है, दीपक जी जो आप दिखा आपको देख रहे पेशेंट है, उनकी देख रहे हैं और इनसे बोला भी नहीं जा रहा है। उनकी परिस्थिति काफी खराब हो चुकी है, 4.5 लाख रुपए का खर्च पहले ही हो चुका है और अभी भी इनका इलाज जारी है, तो आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे, और आपसे जो बन पड़े, इनका सीधा अकाउंट नंबर है। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद मेरे नंबर पर कोई फोन ना करे तो अच्छा है, क्योंकि आप मुझे फोन करेंगे, मुझे इनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, इसकी वजह इनके कॉन्टेक्ट पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे तो इनकी सीधी मदद कर पाएंगे। मैं अपना काम एक मध्यस्थ के तौर पर, इनका काम इनकी तरफ से आवाज उठा रहा हूँ। आप मुझे संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि आप इनको सीधा संपर्क करें और इनकी जो मदद आप कर सकते हैं करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।